इंडियन कॉफ़ी हाउस, आई थिंक जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर वो 15-20 साल से ऊपर होंगे या फिर छोटे भी होंगे, तो कभी ना कभी कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स के साथ या अकेले इंडियन कॉफ़ी हाउस में ज़रूर गए होंगे। इंडियन कॉफ़ी हाउस एक सिर्फ एक नॉर्मल सुनने में तो लगता है इंडियन कॉफ़ी हाउस, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। बेसिकली एक कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा चलाई जाती है। पूरे इंडिया में लगभग 400 से अधिक ब्रांचेज हैं और एक प्रोटोकॉल जैसा चलता है, मीन्स एक रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलता है। इनके बहुत बड़े मेन्यू नहीं रहते हैं। बेसिकली इनके पास जो स्पेशलिटी है वो होती है साउथ इंडियन डिशेस की। साउथ इंडियन डिशेस ये बहुत शानदार बनाते हैं, अलॉन्ग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉफ़ी, कॉफेचिनो, लैटे और कोल्ड कॉफ़ी एंड एवरीथिंग। कई जगह इनका कोल्ड ड्रिंक्स भी सर्व होती है, लेकिन स्टिल आई एम सेइंग कि इनके बहुत बड़े मेन्यू नहीं होते हैं। ये इंडियन कॉफ़ी हाउस जो है वो इस पूरे कम्युनिस्ट और इन सब लोगों से बहुत जुड़ी हुई है। और ये जो कॉफ़ी हाउस है, इंडियन कॉफ़ी हाउस स्टार्ट हुआ था 1936 में मुंबई। 1936 मींस अभी हम 2021 में हैं, और 2036 में लगभग 15-16 साल बाद इसको 100 साल हो जाएंगे। सोचिए कितना रिच इसका हिस्ट्री होगा। और ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में है। अगर मैं शहडोल में बात करूं, शहडोल के पास में अगर देखा जाए तो चचाई, आप सभी लोग जानते होंगे, चचाई पावर हाउस का जो ऑफिशियल मैस है वो इंडियन कॉफ़ी हाउस संभालता है। और अब इंडियन कॉफ़ी हाउस शहडोल में भी आ रहा है। ऑन 11th ऑफ सितंबर सैटरडे 11 बजे इंडियन कॉफ़ी हाउस का इनॉग्रेशन है। इनॉग्रेशन कर रहे हैं हमारे शहडोल डिवीज़न के कमिश्नर मिस्टर राजीव शर्मा जी, एंड डेफिनेटली वो भी इस चैनल पे कवर होगा। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ शहडोल में आ रही है, जैसा कि मैंने बताया कि एज अ प्रोटोकॉल चलता है, रूल्स एंड रेगुलेशन इसके फिक्स्ड हैं थ्रू आउट ऑल द स्टोर्स। इसके जो वेटर्स होते हैं वो ड्रेस में होते हैं, आपको हर एक परचेजिंग पे रसीद दी जाती है, आपका एक ट्रेडिशनल वे ऑफ ऑपरेशन होता है। इनका लोगो है, सेट ऑफ रूल्स है जिसके तहत ये चलता है। और जैसा कि मैंने बताया कि साउथ इंडियन फूड में इसको स्पेशलिटी है, तो बस अब तैयार हो जाइए एक नए टाइप के एक्सपीरियंस के लिए। आई थिंक एक चेन बेस्ड रेस्टोरेंट पहला खुल रहा है शहडोल में। मुझे नहीं मालूम कि इसके पहले कोई खुला था, आई डोंट रिमेम्बर एटलीस्ट, क्योंकि चेन बेस्ड रेस्टोरेंट्स मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो है ये अलग टाइप का है। ये ट्रेडिशनल बेस्ड रेस्टोरेंट है, थोड़ा इंडियन लुक आता है यहाँ पे, ज़्यादा तामझाम नहीं मिलेगा, सोबर सिंपल रहता है। तो बस 11 तारीख को स्टार्ट हो रहा है एक मस्त एक्सपीरियंस के लिए। जगह कहाँ हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा 2 महीने पहले का वीडियो देखा होगा कि मैंने रिलायंस फ्रेश पे, रिलायंस पॉइंट जो नया शहडोल में खुल रहा है, राजेंद्र टॉकी से पांडव नगर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे रिलायंस फ्रेश खुल रहा है, मैंने उसके लिए वीडियो बनाया था। एग्जैक्टली रिलायंस फ्रेश के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग, वहाँ पे एक पहले पार्टी लॉन था, अब उसकी जगह इंडियन कॉफ़ी हाउस खुल रहा है। तो 11 तारीख को खुल रहा है और इजी एक्सेस है, अच्छा खासा वहाँ पे पार्किंग स्पेस भी है और बहुत अच्छे एरियाज में भी है, इन द सेंट्रल ऑफ द सिटी कह सकते हैं। एक साइड पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलोनीज़ हैं और पास में बैंक्स हैं, बैंक 5-6 बैंक एक साथ हैं वहाँ पे। तो आई थिंक बहुत सर्वे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये कॉरपोरेट्स होते हैं जो इधर आते हैं। आई थिंक इंडियन कॉफ़ी हाउस ने भी अच्छा खासा सर्वे किया होगा, उसके बाद एंट्री मारी होगी, एंड आई एम श्योर दे विल गेट सक्सेस हियर। और बहुत सारे लोग का पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी है। तो बस 11 तारीख को तैयार हो जाइए, सैटरडे को जाइएगा ज़रूर, मैं भी आपको वहीं मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।